फिर ये विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, समझते रहें और पढ़ते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या, ज़रा ध्यान दें। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर या 5 अंक की आती है। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन में आपसे दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करा रहे हैं या पूछ रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान दें, इसमें आपका आंसर 9 आएगा। एक सेकंड में अगर इस तरीके के आपके पॉइंट दे रखे हों तो आप आराम से आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसका आंसर 9 आएगा। देखिए कैसे आएगा, पॉजिटिव का 9 आएगा। देखिए कैसे, x1 0 x2 0 y1 0 y2 -9, जो आपके पॉइंटों में दे रखे हैं। पॉइंट के आपके ध्यान रखें, पॉइंट आपका जो भी दे रखा हो तो उसमें पहला वाला आपका x, दूसरा वाला y, दो दे रखे हैं, तो x1 y2 इस तरीके से आप काउंट करेंगे या लिखेंगे। अब आप आगे देखिए अपने फार्मूले में या सूत्र में। सूत्र आपका क्या है, दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप x2 - x1 का मान रखेंगे जो आपके 0 0 हैं, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 निकालेंगे, मतलब -9 में से 0 निकालेंगे, माइनस का 9 ही बचेगा, होल स्क्वायर में जाएगा। अब आगे देखिए, आप 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81 का रूट क्या निकल के आएगा आपका 9, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 9 मात्र। यही आपका आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।